जब हैरी मेट सेजल बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई है। पहले दिन से ही यह फिल्म हिचकोले खाने लगी थी और किसी भी दिन फिल्म ने ऐसे कलेक्शन नहीं किए जिसे देख ट्रेड राहत महसूस करे। फिल्म फ्लॉप क्यों हुई, पेश है 5 कारण। फिल्म देखने के बाद सवाल पूछा जा रहा है कि शाहरुख खान इस स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए राजी क्यों हुए। यही नहीं, उन्होंने निर्माता के रूप में इस पर पैसा भी लगा दिया। फिल्म की स्क्रिप्ट ऐसी लिखी गई थी कि इसमें मनोरंजन था ही नहीं, कई खामियां थी। शाहरुख खान अतीत को याद करते हैं लेकिन उनके अतीत के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया। पूरी फिल्म में हीरो हीरोइन अंगूठी ढूंढते रहते हैं और दर्शक का हन। फिल्म का नाम बेहद कमजोर है। ऐसा लगता है कि जब भी मेट की सफलता को भुनाने के लिए यह रखा गया है। ट्रेलर भी रिलीज के कुछ दिनों पूर्व ही जारी हुआ। मिनी ट्रेलर वाली योजना असफल रही। ताबड़तोड़ सब कुछ किया गया और ऐसा लगा कि फिल्म जल्दबाजी में रिलीज की गई है। इम्तियाज अली किस दर्शक वर्ग के लिए फिल्म बना रहे थे तय नहीं कर पाए। उन्हें इतना बड़ा बजट और बड़े सितारे का साथ मिला तो जरूरी था कि वे ऐसी फिल्म बनाते जो ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को अपील करती। वे एक खास दर्शक वर्ग को खुश करने में लगे रहे और किसी को भी खुश नहीं रख पाए। जब हैरी मेट सेजल को पहले 11 अगस्त को रिलीज करने का फैसला लिया गया था, इसी दिन जब अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा को रिलीज करने का ऐलान हुआ तो शाहरुख घबरा गए। उन्होंने अपनी फिल्म एक सप्ताह पहले रिलीज कर दी। इससे यह बात लोगों के बीच गई कि शाहरुख डर गए, उन्हें अपनी ही फिल्म पर विश्वास नहीं है। फिल्म कैसी भी हो, यदि उसमें सुपर सितारा हो तो पहले 3 दिनों में फिल्म देखने के लिए दर्शक टूट पड़ते हैं। इसके बाद फिल्म का चलना या न चलना उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। लेकिन जब हैरी मेट सेजल बॉक्स ऑफिस पर ढंग की ओपनिंग भी नहीं ले सकी तो माना गया कि शाहरुख का जादू उतार पर है। दोष शाहरुख के फिल्मों के चुनाव को जाता है। उनकी पिछली कुछ फिल्में खराब रही हैं, लिहाजा दर्शकों को उन पर भरोसा नहीं रहा है।